हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा, 9:30 बज रहे हैं और रियान के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो रियान तो गया एग्ज़ाम देने और सानिया की आज छुट्टी है, तो सानिया अभी घर ही है। और नाश्ता हमारा हो चुका है और सानिया नाश्ता करके और दोबारा सो गई। हमने नाश्ते में चाय, हलीम और बिरयानी मस्त एकदम से खा पी के हो गए हैं और अभी मस्त आ रहे हैं माँ बेटी, क्योंकि छुट्टी है सानिया की। तो अभी आराम से करेंगे काम, सारा घर का काम पड़ा हुआ है। तो सानिया कह रही, मम्मी चलो दोनों सो जाते हैं, 11 बजे तक के लिए सो जाते हैं, है सानिया। और अभी अभी वीडियो अपलोड करी है, थोड़ा लेट हो गई, 3-4 दिन पहले का ब्लॉग है, क्योंकि ना वॉइस की ज़्यादा वो हो जाती है कि मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो सानिया अपना फ़ोन लेकर चली जाती है और ये भी लेकर चले जाते हैं, तो वॉइस की दिक्कत हो जाती है। सानिया लेट शेट आती है तो फिर वॉइस नहीं हो पाती, तो इसलिए ना मैंने अभी अभी ब्लॉग डाला है। और काफ़ी टाइम लग जाता है कि नेटवर्क ऐसे ही हो रहे हैं, अपलोड कर दिया है अभी ना, अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। पिछली बार मैंने ब्लॉग डाला था तो कई घंटे में जाके अपलोड हुआ था। नेट की ना ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि नेट बहुत स्लो चल रहा है। अभी से दूसरा भी स्टार्ट कर दिया बना के, अभी दूसरा बना रही हूँ मतलब। तो अभी करूँगी सारा घर का काम और मुझे ना करनी है सिलाई। कल मैंने एक पैंट सिली थी, सूट की कटिंग कर दी है और एक पैंट सिली थी, उसका डिज़ाइन दिखाती हूँ आपको। देखिए पैंट में ना ये वाला डिज़ाइन बनाया था मैंने, सिंपल सा डिज़ाइन है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है बनने के बाद में। ये लेस लगा दी ये वाली, तो अच्छा हो गया डिज़ाइन। और इसकी ना अभी कमीज भी सीनी है मुझे, कमीज दिखाती। तो ये वाली है कमीज इसकी जो मुझे सिलनी है, अभी प्रेस करके अस्तर उसमें जोड़ कर रख दिया है और अभी सिलूंगी। पैंट मैंने कल सिल ली थी, सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा बनने के बाद में। तो अभी कमीज भी सिलूंगी। और ये कपड़े सिलाई के हैं, बाहर के मेरा नहीं है। और मुझे अपने भी कपड़े सिलने हैं लेकिन मेरा मन नहीं करता सिलने का, मैं सिलूँ या नहीं सिलूँ, लेकिन शादी आ रही है तो मुझे कपड़े अपने सिलने हैं, अभी सिलूँगी मैं कपड़े। तो चलिए पहले जो काम है बाकी वो उससे फ्री हो जाती हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ ये मेहंदी। मेहंदी मैंने घोल ली मेरी, और ये कागज़ रख लिया नीचे ताकि बेड शीट पर निशान ना लग जाए। और ये माचिस की सीख से लगाऊंगी, माचिस की सीख से ना एकदम सही लगता है, यहाँ से बाहर नहीं निकलती, एकदम मिलके लग जाती है। तो लगा के दिखाती हूँ आपको। लग चुकी है मेरे पैरों से मेहंदी और अभी धुल ले। क्या कैसी है पता नहीं, चल डाल दे और थोड़ी बिरयानी गर्म कर दे, रियान कह रहा हो। तो गाइस अभी हो रहा हमारा लंच, दोपहर में भी हलीम बिरयानी चम्मच लिया। रियान अभी आया है स्कूल से तो रियान खा रहा है और हम भी खा, दस्तरखान भी लिए बेटा। एंड ये है मेरा भाई, ये भी पढ़ाई कर रहा है क्योंकि इसके भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। एंड ही इज़ इन 10th स्टैंडर्ड और अभी इसका बोर्ड है, तो अभी तो इसकी प्रैक्टिकल फाइल्स भी आ चुकी है, प्रैक्टिकल फाइल्स का वर्क करेगा पता नहीं क्या क्या, इसके बोर्ड शायद फेब में स्टार्ट हो जाएंगे। तो रेडी है बोर्ड देने के लिए, देखते हैं रेहान का कैसा रिजल्ट आता है बोर्ड में, क्या होता है, हम शेयर करेंगे रेहान का रिजल्ट आपके साथ। और अगर रेहान के कम नंबर आएंगे तो इसको मार भी पड़ेगी, ठीक है? तेरा कर रही हूँ, मैं अपना खुद करूँगी। नहीं मेरा कर देना, मेरा बनवा देना ब्लॉग। देख मैंने मेहंदी लगाई थी ना पैरों पर, देख कितने अच्छे हो गए पैर, कैसे हैं बेकार बेकार से। तूने मेरा ब्लॉग देखा? देख लेती बट लाइक करने से क्या हो रहा, देखूंगी जब फ्री टाइम होगा। फुल वॉच के साथ देखो ब्लॉग, तो रोटियाँ बना लो, आप बनाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। तो नमाज पढ़ने के बाद मैगी से क्या पेट भर जाएगा, मंगा ले तो तेरे 500 का नोट तो है। क्यों क्या के लिए जरूरी है, बस इसलिए ये फोन ही दिखाता रहता है। तो अभी मम्मी मक्के का आटा गूंद रही हैं, वो जाता है मक्के का आटा गूंद, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत से बनती है। गेहूँ कैसे तो कमी मेहनत है, इसमें ज़्यादा मेहनत की। मैं गेहूँ की रोटी बना लेती हूँ बट मक्के की नहीं बनाती, और गेहूँ की भी ऐसी बनाती हूँ वो अच्छी बनाती हूँ, पापड़ अच्छी बनाती हूँ वो कभी कभी जब मैं बनाती है। वो जब कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं ताज़ा आटा गूंथती हूँ ना तो वो ऐसे ही हो जाती है,
लेकिन थोड़ा मैं ठीक बनाती हूँ रोटी, रोटी बनाती है इसके पापा बोलते हैं। नहीं तो आप गाइस नहीं, जब ये मक्के की रोटी बनाते मतलब गाइस पापा का फोन आ गया, आप पापा से बात करो। तो गाइस पापा का फोन आ गया है, मम्मी बस यही बोलती रहती है कि तुझे भी आना चाहिए, तुझे भी करना चाहिए। हाँ वो ठीक कहती है, मुझे आना चाहिए, मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं सीखूंगी अभी जब मेरा नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद फिर जब मुझे बीच में रेस्ट मिलेगा तो उसमें मैं मक्के की रोटी बनाना सीखूंगी और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी सीखूंगी। तो अभी फ़िलहाल मम्मी रोटी बना रही हैं, तो उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी हम खाना खाएंगे जब। मक्के की रोटी मेरी फेवरेट होती हैं साग के साथ, बट कोई नहीं मैं दाल के साथ भी खा लेती हूँ। और मम्मी ने मक्के की रोटी बनाना शुरू कर दिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बनती हैं। बहुत कड़ा काम है ये मक्के की रोटी बनाना। अभी तो आप कह रही थी ये बहुत इजी है। इजी नहीं है ये, बहुत इजी है, तो बना के देख। तो वही तो मैं कह रही थी ना, ये बहुत हार्ड है, बट आप ही कह रही थी कि ये इजी है, बट इजी नहीं है, बट हार्ड भी नहीं है। अगर करने लगो ना तो कोई चीज़ हार्ड नहीं है और कोई चीज़ इजी नहीं है। हाँ तो मैं जब बनाना सीखूंगी, जब मेरा नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो जब मुझे बीच में रेस्ट मिलेगा ना, तो मैं बना लूँगी। तो फिर खाना भी जब ही खाइयो ना। खाना नहीं खाऊंगी तो फिर नीट का एग्ज़ाम कैसे दूंगी ना। वो बात तो तेरी आई एग्री, लेकिन खाना भी ना जब ही, जब सारे काम उस पर अटके हुए हैं, जब भी कुछ करना है उसके बाद में, तो फिर पहले ही क्यों, बाद में ही कर लेना सब कुछ। गाइस मम्मी अपने खजाने में से ढूंढ रही है अपना सामान। बढ़ता हमारा पोपट हो चुका है, सारा सामान मम्मी ने निकाल के फेंक दिया। वो रैक एक्चुअली वहाँ से निकल गई, तो इस वजह से सारा सामान गिर गया। कुछ मम्मी ढूंढ रही थी, अब मुझे इसमें वापस डालना पड़ेगा। मैं ये चीज़ ढूंढ रही थी। तो मम्मी रोटी बनाने वाला, इसको पलटा वगैरह कहते हैं जो भी बोलते हैं, तो इसको मम्मी ढूंढ रही थी, और इसको ढूंढने के चक्कर में सारा सामान नीचे डाल दिया। अब इसको फिर से रखना पड़ेगा इसमें। तो मम्मी ने मेरा काम बढ़ा दिया है, देखो इधर, पर क्या करें, करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं इसको चेंज नहीं कर रही, रखो और बना लो। तो ये है हमारा एक बर्तन, ये है दूसरा, और ये जो हमारी कैंची है ना, इससे अगर किसी चार पीस में कितने हैं, क्योंकि ये देखो ये कैसी है, ये इस तरीके की है। इससे मम्मी जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी करके काट के डाल देती हैं। रियान को पता नहीं चलता, लेकिन रियान हरी मिर्ची नहीं खाता, लेकिन इससे भी थोड़ा कटती है, लेकिन इतनी पतली नहीं। और एक जो मम्मी वो लेके आई थी घोड़े वाला, वो तो बेकार ही है, बिल्कुल नहीं सही है वो बेकार है, वो अच्छा नहीं है। बट ये ठीक है, इससे ना तो हमारे हाथों में मिर्च वगैरह लगती हैं, और इससे छोटे छोटे पीसेस भी हो जाते हैं। तो अभी मैं बातों को साइड करके ये काम कर लेती हूँ। साग का और मक्का की रोटी का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसका तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सानिया को ना, सानिया की ना फेवरेट डिश है ये। सानिया को कुछ नहीं चाहिए, चिकन मटन बटर कुछ नहीं चाहिए सानिया को बस मक्का की रोटी और साग दे दो, तो बहुत खुश हो जाती है सानिया। तो आज सानिया बोल रही थी साग के लिए, लेकिन मैंने आज ना बनाया नहीं, क्योंकि साग बनाने में टाइम भी लगता है, और आज ना इसके पापा भी थोड़ा लेट आने वाले हैं, तो वो खाना वहीं पे खा के आएंगे, तो इसलिए फिर मैंने बनाया नहीं कि चलो कल बनाएंगे, कल छुट्टी है इसके पापा की, तो कल बना लेंगे। साग और घी डाल के बहुत गजब लगता है, उसके साथ मूली हो और रायता हो, सिंपल छाछ हो, कुछ भी हो, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है उसे खाने में। तो अभी मैं दाल बनाई है मैंने, और मक्का की रोटी बना रही हूँ अपने और सानिया के लिए। रियान नहीं खाता, रियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मक्का की रोटी। रियान तो ना खाता ही नहीं है, छूता भी नहीं है वो कभी, ना साग के साथ खाता, ना किसी चीज़ के साथ खाता, लेकिन हम माँ बेटी खा लेते हैं साग के साथ। बस आज वही बना रही थी, पहले सानिया मना कर रही थी कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, फिर इसने बोल दिया कि मैं खा लूँगी, तो बस वही बना रही हूँ। रियान के लिए डालूंगी गेहूँ की रोटी, वो गेहूँ भी खाएगा, और मैं अपने लिए बनाएंगे मक्का की रोटी, और अभी बननी है रियान के लिए गेहूँ की रोटी। तो मैंने ले लिया ये एक अनियन, इसको मैं कर देती हूँ कट। अब रियान आईफोन लेने वाला है, तो रियान के लिए चेंज कर रहे हैं। तो फ्रेंड खाना लग चुका है, ये देखिए अचार
और ये सानिया ने प्याज काटी है। कैसी प्याज काटी है, एक प्याज में से चार पीस कर दिए। और दाल, दाल में मैंने बहुत सारा घी डाला है। और मक्के की रोटी के साथ सानिया होगी स्टार्ट। और खाना खा लेते हैं, आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। अच्छी है, कैसी लगी?